हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। आज हम एक और नमकीन लेके आए हैं जो कि लैया की नमकीन है। इसको मुरमुरा भी बोलते हैं, मुरमुरे की नमकीन, लैया और चने की नमकीन जो कि हमने इसमें चने मिला रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने नमकीन कैसे बनाई है, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी नमकीन। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं, लैया और चने की नमकीन। तो आप देख सकते हैं इसमें ही चना दाल चना मिला हुआ है हमारा, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो लैया और चने की नमकीन, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनानी है हमको। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने 2 स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा होने देंगे। उसके बाद में ये हमने अपने कुछ ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, ये तो इनको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। आप इसमें मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हैं। हमने चना ले रखा है, इस वजह से हम मूंगफली के दाने नहीं ऐड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ड्राई फ्रूट हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर, फ्लेम को कर देंगे धीमा। ये देखिए, और अब हम इन हरी मिर्चों को, देखिए हमने 5 से 6 हरी मिर्च कट कर ली है, तो आप चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं ये जो मैंने लाई ले रखी है, मुरमुरे और चना, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अब हम सिंपल सा भून लेंगे। इसको हम सिंपल इसी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, आप देखिए। देखिएगा, इसको पहले हम 2 मिनट भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। जब हमारी लैया क्रिस्पी हो जाएगी तब हम उसमें और भी इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। तो इसको चलाते हुए इसी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिएगा, इसको भूनते हुए आप रोके नहीं हाथ को, वरना ये तली में चिपक जाएगी। हल्की होती है ना लैया, तो नीचे जल जाएगी। तो अब इसका हम एक दाना उठाएंगे और इस तरह से हम फोड़ कर देख लेंगे कि मैसी हो रहा है। ये देखिए मैसी हो रहा है, थोड़ा सा कम है अभी। तो क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट हमने भून के रखे थे वो भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये भी हमने ऐड कर दिए। अब इसको भी मिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अभी हमने इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं किया है, वो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा और भूनने के बाद में। अब ये देख सकते हैं गाइस, इसको हम ऐसे एक दाना लेंगे और इसको तोड़ के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैश हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ी सी अगर लाइट की प्रॉब्लम हो तो सॉरी। ये देखिए मैश हो रहा है, तो इसका मतलब हो चुका है। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको 2 मिनट चलाते हुए हम ये भून लेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है इस वजह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। एक बात और गाइस, इन दिनों आपको लोगों को रोज डेली वीडियो नहीं मिल पा रही है, इस वजह से सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हमारा नहीं हो पा रहा है डेली का। तो इस वजह से जैसे ही हम अपने घर पर पहुंचते हैं वैसे ही हम आप लोगों को डेली की वीडियो देने लगेंगे, तो तब तक के लिए सॉरी। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारा हो चुका है, फ्लेम भी बंद हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, जैसे कि नमक है, मिर्च वगैरह, थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए। ये देख सकते हैं गाइस, 1 से 1.5 स्पून चाट मसाला जो हम ऐड करेंगे इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 1.5 स्पून चाट मसाला, ये देखिए लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार हमने 1/2 टेबल स्पून डाला हुआ है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि तीखा ज्यादा नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए गाइस, 1 स्पून नमक, क्योंकि नमक हमारी चाट मसाला में भी होता है ना, उसी हिसाब से थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करेंगे। और ये नमकीन बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप चाहें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, जो कि हमने नहीं ऐड किया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अब हम करेंगे मिक्स और ठंडा करने के बाद इसे एक एयर टाइट जार में भर कर रख देंगे। अब महीनों खाएं, बिल्कुल खराब नहीं होने वाली है, बिल्कुल टेस्टी ही नमकीन बनी रहेगी। तो चलिए, इसको ठंडा होता है फिर सर्व करते हैं।
मिक्स हो चुका है। ये देख सकते हैं गाइस, आज की हमारी ये रेसिपी बिल्कुल लो ऑयल में लया के नमकीन, या फिर आप इसको मुरमुरा भी बोल सकते हैं। देखिए जो पास्ता और हमने किशमिश वगैरह डाली थी कितनी प्यारी लग रही है गाइस। इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं या मीठी नीम भी ऐड कर सकते हैं, मगर हमने थोड़ा इजी वे में बनाया है, जो कि हमको यहाँ ये चीजें उपलब्ध नहीं थी इस वजह से डाला भी नहीं है। कलर के लिए आप हल्दी भी डाल सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।